शुरुआत हो चुकी है, ये शुरुआत जहां देश के लहजे से, दुनिया के लहजे से कोरोना वायरस को लेकर अच्छी नहीं है, वहीं दूसरी तरफ फिल्म इंडस्ट्री और टीवी इंडस्ट्री के कलाकार हैं जो अपने फोटोज को लेकर चर्चा में आए हैं, कुछ अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को लेकर बस क्रिएट कर रहे हैं, कुछ सेलिब्रिटीज हैं जो अपनी शादी को लेकर चर्चा में हैं, तो कुछ सितारे ऐसे हैं जिनकी कॉन्ट्रोवर्सीज थमने का नाम नहीं ले रही हैं। अब इस लिस्ट में हरियाणा की आन बान और शान सपना चौधरी सामने आई है। सपना, जिनके लटके झटकों से हरियाणा हिलता है, सपना चौधरी जिनके लटके झटके हरियाणा से लेकर बिहार तक वे फेमस है, बिग बॉस के घर में जो सपना अपनी कॉन्फिडेंस से सबको हरा चुकी थी, लगभग वही सपना चौधरी, उनका वही अवतार इंटरव्यूज में भी धाकड़ अंदाज नजर आता रहा, लेकिन अब सपना चौधरी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी हैं। और ये मुसीबत हम बड़ी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये विवाद कानूनी है। सपना चौधरी के खिलाफ दिल्ली की कोर्ट से यहाँ पर जांच के आदेश जारी हो गए हैं। और मामला जानते हैं आप क्या है, मामला धोखाधड़ी का है। अब क्या गलती कर बैठी है सपना चौधरी, ये पूरा मामला आज का नहीं, साल 2018 का है, जिस पर अब सपना को राहत नहीं मिली है। क्या है पूरी जानकारी, सुनिए जरा। डांसर और बिग बॉस की एक्स कंटेस्टेंट सपना चौधरी को साल 2022 की शुरुआत में ही एक बड़ा झटका लग गया है। दिल्ली की अदालत ने सपना चौधरी के खिलाफ कथित तौर पर झूठा मामला दर्ज करने के मामले में जांच के आदेश दिए हैं। ये पूरा मामला सुनने में आया है, दिल्ली की अदालत ने गायिका और कलाकार सपना चौधरी के खिलाफ पुलिस को गलत जानकारी देने और अपने पूर्व प्रबंधक पवन चावला के खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज करने के लिए जाँच का आदेश दिया है। इसी मामले को लेकर सपना एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई है। क्या है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। सपना चौधरी और उनके पूर्व प्रबंधक पवन चावला ने एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। गायिका सपना चौधरी ने पुलिस में दावा किया कि पवन चावला ने उन्हें कोरे कागज पर साइन करने के लिए मजबूर किया, लेकिन जब पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की तो पाया गया पवन चावला उस दिन शहर में ही नहीं थे जिस दिन सपना ने इस घटना को होने का दावा किया। पुलिस ने आईपीसी की धारा 182 के तहत सपना चौधरी के खिलाफ मामला दर्ज करने की अनुमति के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया। दिल्ली की द्वारका जिला अदालत ने आदेश पारित करते हुए कहा है कि दिल्ली पुलिस झूठी शिकायत के आरोप की जांच कर सकती है, लेकिन किसी भी गिरफ्तारी के लिए अदालत से वारंट की आवश्यकता होगी। लखनऊ की एक अदालत ने नवंबर साल 2021 में सपना चौधरी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। सपना चौधरी के खिलाफ ये वारंट उनके एक कार्यक्रम को मनमाने तरीके से रद्द करने और टिकट खरीदने वालों को उनका रुपया वापस नहीं करने के मामले में दर्ज करवाया गया था। आपको बता दें ये पूरा मामला 13 अक्टूबर साल 2018 का है। 13 अक्टूबर साल 2018 को स्मृति उपवन में दोपहर 3 बजे से रात 10 बजे तक सपना के साथ कई कलाकारों का कार्यक्रम था, जिसके लिए प्रति व्यक्ति 300 रुपए के टिकट बेचे गए। सपना इस कार्यक्रम में नहीं पहुंची, जिसको लेकर लोगों ने अपना पैसा वापस मांगने की जिद यहां पर ठान ली। अब इस पूरे मामले में जैसे जैसे छानबीन आगे बढ़ी, जैसे जैसे फ्रॉड का केस यहां पर प्रबंधक और सपना के खिलाफ ठोका जाने लगा, तब इन सब के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। यहां सपना की ओर से भी केस किया गया और उनके प्रबंधक पवन चावला की ओर से भी सपना के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई। और इस पूरे मामले में अब सपना चौधरी गलत साबित हो गई है। फिलहाल दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की जांच करेगी। सपना चौधरी को इस मामले में राहत मिलती हुई दूर दराज तक फिलहाल नजर नहीं आ रही है।